वेलकम दोस्तों, राज टेलर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजू गुटवाल। दोस्तों, आप ठाकुर द्वार देख सकते हो किस तरह बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इस तरह बनाने का वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने कोट का सामना लेंगे। दोस्तों, मैंने इस पे फ्यूजिंग की हुई है। तो जो अपना कोट कटने के बाद जो कपड़ा बचा हुआ है उसे लेंगे। आप इसमें से कॉलर का पीस पहले से बचा कर रख सकते हो। और इसके बाद में दोस्तों देखिए ठाकुर द्वार कैसे काटना है। इसमें से अच्छे से सेट कर लेना है कपड़े को। इस तरह देखिए दोस्तों, ऊपर से राउंड के आगे 3 इंच इस तरह निशान लगाना है। नीचे आप दोस्तों 4.5 और 5 इंच लगा सकते हो इस तरह निशान। देखिए दोस्तों, नपेल के 1 इंच नीचे और 3 इंच तक ऊपर इस तरह निशान लगाना है। यहाँ पर इस तरह से लगा लें निशान आईडिया से। अब देखिए दोस्तों, इसे कैसे काटना है। इस तरह से काट लें। इस साइड से बिल्कुल बराबर बराबर काटना है अपने। ठीक है दोस्तों, नीचे भी थोड़ा एक्स्ट्रा में रख के काट लें। अब दोस्तों इसे उठा लें। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हल्का सा निशान लगा लें ताकि आपको पता रहे। इस तरह से दोस्तों इसकी शेप ले लें और नीचे से भी इस तरह शेप कर लें। अब इसको इस तरह से सीधा निशान लगा लें। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह से इसका राउंड अच्छे से कर लें। इस साइड में भी अच्छे से राउंड कर लें। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अब इसे देख लीजिए, ये 4 इंच का हो गया। यहाँ से देखिए दोस्तों, 5 इंच का है। इस तरह से आप भी काट सकते हो। दोस्तों, मैंने थोड़ा हल्का सा वीडियो तेज किया हुआ है ताकि कम समय में पूरा ठाकुर द्वार बनाना बता दें। इस तरह से मार्का टू मार्का कटिंग कर लेंगे। अगर दोस्तों चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। और इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। दोस्तों इस तरह सेट कर लें। जिस साइड से बैक काटी हुई है उस साइड पे इस तरह से ठाकुर द्वार को अपने रखना है। इसका अस्तर काटना बताया जा रहा है। दोस्तों इसमें इसकी पूरी कटिंग और स्टिचिंग बताई जाएगी अच्छे से। इस तरह से दोस्तों निशान लगा लेने हैं, हल्का सा एक्स्ट्रा छोड़ लें। दोस्तों अब इसके ऊपर सामना अपने रखेंगे इस तरह। ठीक है दोस्तों, अब साइड जो है कोट की वो भी रख लेंगे। इस तरह इसको सीधा काटना है इसलिए निशान ले लेते हैं। इस तरह से इसको सीधा काटना है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से दोस्तों जो ये ठाकुर द्वार का राउंड बना हुआ है, इस राउंड पे इस हिसाब से कटिंग कर लेंगे। दोस्तों इसके आगे पैर पैर का दबाव छोड़ना है जो निशान लगाया है उसके साथ साथ। इस तरह से कटिंग कर लेना है अच्छे से। दूसरी साइड का भी इसी तरह कटिंग करना है, पैर पैर का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लें। जैसे राउंड कटिंग किया हुआ उसी तरह राउंड काटें। ठीक है दोस्तों, ये अपना ठाकुर द्वार का अस्तर कट गया है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, ये अस्तर कट चुका है। अब देखिए दोस्तों, इसके बोन के लिए फ्यूजिंग कैसे चिपकाना है। तो इस तरह से थैली काट लीजिए अपने हिसाब से, जो जितनी लेंथ लंबाई लंबी रखना चाहता है थैली की उस हिसाब से। इस तरह से पट्टी की फ्यूजिंग करेंगे दोस्तों। इस तरह से अच्छे से चिपका के दोनों साइडों के बोन के लिए चिपका लेंगे।
इस तरह से दोस्तों झुकाना है। अब इसको बीचों बीच में से काट लिया है। देखिए दोस्तों इसकी लंबाई कितनी है, 8.5 मैंने काटा है। अब दोस्तों इसको बिल्कुल अस्तर को इस तरह से छांट लें। अब इसे दोस्तों 1/2 इंच चौड़ा मोड़ना है। इसी तरह दोस्तों चारों को मोड़ लेना है। ठीक है दोस्तों, 1/2 इंच चौड़ा ही मोड़ना है। देखिए दोस्तों चारों को 1/2 इंच चौड़ा इस तरह मोड़ लेना है। तो दोस्तों मैंने इस पर फ्यूजिंग कर ली थी, आप भी कर सकते हो इस तरह पूरा। अब देखिए दोस्तों इसके बोन के लिए निशान कैसे लगाना है। दोस्तों सामने से 4.25 इंच, अब इसको सेंटर में सीधा कर लें। यहाँ से देखिए दोस्तों 4.25 इंच का पॉकेट लग रहा है। थोड़ा निशान को गहरा कर रहा हूँ ताकि दूसरे पे आसानी से छप जाए। ठीक है दोस्तों, इस तरह थपकी लगा के आप दूसरे पे निशान लगा सकते हो। तो चलिए दोस्तों मशीन पे देखते हैं किस तरह से जोड़ना है अपना अस्तर। दोस्तों इसके अस्तर से पहले आप पाइपिंग भी लगा सकते हो इस पर। ये देखिए दोस्तों, एक नीचे से शुरू होता है, एक ऊपर से शुरू होता है। इसको ऊपर कट लगाया हुआ है, वहाँ से स्टार्ट कर लें। हल्का सा दोस्तों अस्तर में नम छोड़ते जाना है ताकि अच्छे से बैठे, बिल्कुल सही बैठे, खिंचना मारे कहीं से। देख सकते हो दोस्तों कैसे नम हल्का हल्का छोड़ना है। दोस्तों इतना विस्तार से आपको कोई नहीं बताने वाला। ये देख सकते हो आप इस तरह से हल्का हल्का नम देते हुए इसे पूरा कर देना है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह दूसरा भी लगाना है पीस। इस साइड से बराबर में शुरू करना है। देखिए दोस्तों इस तरह से हल्का हल्का नम देते जाना है और राउंड टू राउंड टांका लगा देना है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों इससे पहले बहुत सारे वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ और करता रहूँगा। इस तरह से दोस्तों इसको पक्का कर लें। अब आप देख सकते हो किस तरह अस्तर इस पे जुड़ा है। ठीक है दोस्तों, अब इस पे बोन बनाएंगे। दोस्तों ये 2 बटन कोट रहेगा और इसमें साइड चाक और कॉलर आपको दोस्तों बहुत विस्तार से बताने वाला हूँ। आपको लाइफ में कभी दिक्कत नहीं होगी इस तरह से। आप कॉलर को एक बार समझ जाओगे तो इस तरह से दोस्तों पैर पैर का टांका लगा के बोन पे तैयार करना है बोन। अब दूसरी पट्टी को लेते हैं। जैसे इसको भी उसी तरह फोल्ड किया हुआ है तो इसको देखिए दोस्तों, इसको अब इसके बिल्कुल बराबर रख के इसके अंदर गैप ना रहे इस तरह निशान टू निशान टांका शुरू करना है। पैर पैर का मार्जिन लेते हुए दूसरे निशान तक पक्का कर लेना है। अब दोस्तों इसके अंदर से देखिए, ये देखिए दोस्तों अंदर से इसे इस तरह काट लें। दोस्तों टाइम कम लगे इसलिए हल्का सा तेज़ किया हुआ है वीडियो, तो आपको उम्मीद है अच्छे से समझ आ रहा होगा। देखिए दोस्तों इसमें कट कैसे लगाना है बोन के लिए। दोस्तों इस तरह कट लगाना है, बस इस बात का ध्यान रखें कि अपना टांका ना कटे इसमें। ठीक है दोस्तों, लगाना बिल्कुल टांके के पास तक है कट, ताकि कपड़ा दबा ना रहे बोन में। बिल्कुल पास तक लगाना है, टांका ना कटे, बस इस बात का ध्यान रखना है। अब इसको इसमें से उल्टा लें, उल्टा कर दें और बोन अपना सीधा हो जाएगा। इस तरह से जो कट लगाया हुआ वो इस साइड में मार्जिन निकाल के
अब इस पे बिल्कुल पास में टांका लगाना है, अच्छे से पक्का कर ले ताकि उखड़े नहीं। ठीक है दोस्तों, जल्दी आपको इस कोट के पूरे वीडियो मिल जाएंगे, पूरी स्टिचिंग बताऊंगा इस कोट की अच्छे से, तो आप चैनल पे बने रहें। दोस्तों एक बात ये बताना मेरे को, इस साइड से मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस एंगल से क्या दोस्तों सही है ये एंगल? ठीक है दोस्तों, अपना बॉन बन गया है अच्छे से, देख सकते हो आप अच्छी फिनिशिंग आई हुई है। अब इसकी थैली लमका दें इस तरह फोल्ड करके। दोस्तों थैली अपने हिसाब से लमका लें जितनी लंबी रखनी है। दोस्तों इस तरह से पटाक से थैली को लगा देते हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो मैं हल्का सा तेज कर देता हूँ कहीं कहीं से, ताकि कम समय में आप अच्छे से समझ जाओ। इसके ऊपर दोनों बोन को एकदम बराबर करके ऊपर कच्चा टांका मार के छोड़ दो, ताकि जेब का मुंह खुला ना रहे। अब देखिए दोस्तों, इस साइड का अस्तर जोड़ेंगे। इस तरह से एक का नीचे से शुरू होता है और एक का ऊपर से। दोस्तों मैं एक ही पीस बनाना बताऊंगा और दूसरा उसी की तरह खुद ब खुद आप बना लेना, ठीक है दोस्तों। इस तरह से टांका लगा लेना है अच्छे से। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। दोस्तों वीडियो को शेयर नहीं करते हो, शेयर किया करें अपने दोस्तों के पास, जो भाई बंधु काम सीखते हैं उनके पास, आपके ग्रुप में जो भी टेलर हैं आप सभी को बताएं हमारे चैनल के बारे में। इस तरह से अपना ठाकुर द्वार तैयार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों प्रेस पे देखते हैं, इस पे प्रेस कैसे करना है। इस तरह से इसका द्वाव जो भी है एक साइड में कर दें, इस पे प्रेस अच्छे से मार लें, ठीक है दोस्तों। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अच्छे से प्रेस मार लेना है इस तरह। दोस्तों इतना विस्तार से आपको कोई नहीं बताने वाला, अगर बात सही है तो आप कमेंट करके बता सकते हो ये बात। इस तरह से अच्छे से प्रेस कर लेना है। अब देखिए दोस्तों इसमें चांपा कैसे करना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए सुई में तीन लड़ा धागा डाला हुआ है, नीचे से गांठ लगा के इस तरह से चांपा करते जाना है। देखिए अगर दोस्तों आप चाहो तो डबल धागे की सिलाई भी कर सकते हो, वो भी अच्छी लगेगी। और दोस्तों पाइपिंग भी निकाली जाती है। दोस्तों हमारे यहाँ पे नामी टेलर हैं अबोर में वीरवेल, उनके पास चांपे वाली मशीन है, तो उनसे जो कोट बने होते हैं उन पे सब चांपा करते हैं। तो हम दोस्तों आपको हाथ से करके बता रहे हैं ताकि अच्छे से आप ठाकुर द्वार बना पाओ। दोस्तों वीडियो को तेज किया हुआ है ताकि कम समय में आपके सामने चांपा हो जाए। नीचे से दोस्तों पॉकेट को हटा लेना है और अच्छे से चांपा करना है, ना कि पॉकेट के साथ ही कर देना। इस तरह से अच्छे से चांपा कर लेना है इसका। दोस्तों देखने में भी अच्छा लगता है, ये बात नहीं कि अच्छा नहीं लगता। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं आपको समझ में आया नहीं आया। इसके अगले वीडियो में आपको अस्तर कटिंग और कोट को जोड़ना वगैरह बताया जाएगा।
तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, घंटी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस तरह से दोस्तों चंपा कर लेना है अच्छे से। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ऊपर गांठ लगा लें। अब देख सकते हो दोस्तों किस तरह लग रहा है, ऊपर प्रेस मार लें। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों जहाँ पे चंपा की हुआ है वहाँ पे ऊपर और नीचे अपने लट्ठे की पेस्टिंग लगाना चाहो लट्ठे की पेस्टिंग लगा सकते हो। अगर आप पट्टी की पेस्टिंग लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो आप काट के, ताकि चंपा आपका उखड़े नहीं। दोस्तों पूरे पे लगाना चाहो तो पूरे पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, इससे कामयाब हो जाएगा आपका चंपा। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, आपके सामने है फिनिशिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।